अध्यक्ष राहुल गांधी के 29 अक्टूबर को होने वाले इंदौर दौरे को लेकर गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बैठक हुई, जिसमें छोटे से बड़े नेता भी चुनाव को देखते हुए पहुंचे। वहीं इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अंकित खड़ियाता यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आज पद पर नियुक्त किए गए। मल्हारगंज क्षेत्र के छोटे गणपति हनुमान जी के दर्शन कर वाहन रैली के रूप में सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ गांधी भवन तक पहुंचे। दौर से राजा खान की रिपोर्ट। हमारी टीम को जो बूथ लेवल पर हमने बना रखी है उस पूरी टीम को मोबिलाइज करना और जो आगामी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी दी है उनको जिताने का और अच्छे से उनके साथ अच्छे से कंधा मिलाकर हमारे यूथ लेवल सभी पार्टी बूथ लेवल पर सभी कार्यक्रम। आज के समय में मध्य प्रदेश की व्यवस्था एक नगरी बनकर उभरी है। इंदौर की स्थापना की बात की जाए तो यह 16वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के मालवा पर पूर्ण नियंत्रण करने के पश्चात 18 मई 1724 को इंदौर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था और मल्हार राव होलकर को यहाँ का सूबेदार बनाया गया, जो आगे चलकर होलकर राजवंश के नाम से प्रख्यात है। यहाँ के कई मंदिर भी उसी समय के, इन्हीं में से एक बड़ा गणपति स्थित हंस उदास मठ भी काफी प्राचीन है। यहाँ हंसराज जी की स्थापित की गई बजरंगबली की मूर्ति विराजित है। इस मूर्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। शालिग्राम पत्थर से बनी यह पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा अपने आप में विशिष्ट है। माना जाता है कि ऐसी प्रतिमा भारतवर्ष में शायद ही कहीं और होगी। मंदिर के पुजारी पवन शर्मा बताते हैं कि चिंताहरण श्री पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा 1710 में स्थापित की थी। सालों से यह आस्था और लोगों के आने का क्रम जारी है। इंदौर से राजा खान की रिपोर्ट। हनुमान जी को जो शिखर चढ़ा हुआ है, कलश जो चढ़ा हुआ है, 7 फीट है और अभी वर्तमान में शरद पूर्णिमा पर यहाँ पर चांदी का सिंहासन बनाया गया है। 11 किलो चांदी उसमें लगी है और हनुमान जी का जो स्वरूप है बड़ा दिव्य है, पंचमुखी है, चिंताहरण स्वरूप इनका है। किसी के परिवार में अगर वंश नहीं बढ़ता है, बच्चों की उत्पत्ति नहीं होती है, तो जो यहाँ के 7 गठान बांध देते हैं, अभी तक तो जो विश्वास तो पर करना पड़ता है, जो विश्वास करते हैं उनकी मनोकामना अभी कई लोगों की हुई है पूर्ण और होती है। बुरहानपुर जिले के खकनार में विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस चेकिंग के दौरान मारुति कार से बरामद हुए 2,60,000 रुपए, पुलिस ने नकदी को जब्त कर वाहन चालक से की पूछताछ। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने की आशंका के चलते किया जब्त। खकनार थाना क्षेत्र के पांडे ग्राम के पास महाराष्ट्र एमपी चेक पोस्ट पर पुलिस व एसएसटी की संयुक्त कार्रवाई मारुति कार की डिक्की में से पुलिस ने की राशि बरामद। खकनार से नगिन महाजन की रिपोर्ट। हर लेबर को 10,000 रुपए देकर दिवाली के पीरियड आए, उनको पैसा देकर दिवाली का त्यौहार कर उनको काम पर लेके जाने के लिए महाराष्ट्र की जो हमारे एमपी बॉर्डर पर के जो लेबर है हम धारने के वहाँ के हम लेके जाने के वास्ते उधर पैसा लेके जा रहे थे। रास्ते में हम उधर रुके गए थे टॉयलेट के लिए, तो पुलिस वाले ने गाड़ी चेक किया, उसमें से हमारे पास से 2,60,000 रुपए बरामद किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र इधर सोलापुर तरफ से एक वाहन को, एक कार को चेक किया, उसमें हारून नाम का तड़वी हारून पठान है सोलापुर का, उसके कार की डिक्की में 2,60,000 रुपए मिले, उनको जब्त किए हैं और उसकी जांच की जा रही है कि ये कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं ले जा रहा था। जाँच करने के बाद में जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। देवास जिले के खातेगांव थाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर को दिलीप अग्रवाल निवासी गोपालपुर नामक युवक की बच खाल मार्ग पर लाश मिलने के बाद खातेगांव पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच पड़ताल प्रारंभ की थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज चौरसिया, एसडीओपी निर्भय सिंह कन्नौज, थाना प्रभारी अमित सोनी, खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर की शाम को 5 बजे दिलीप अग्रवाल एवं उसका साथी असलम खान निवासी गोपालपुर गल्ला खरीदने के लिए ग्राम बचखाल तरफ गए थे। रात्रि में घर वापस नहीं आए एवं दूसरा साथी भी घर न पहुंचा। इसकी जानकारी पता चली घटना स्थल एवं शव की बारीकी से निरीक्षण करने के बाद। दिलीप के गले में रस्सी का निशान दिखाई देने से एवं चेहरे और गर्दन पर चोट होने एवं मोटरसाइकिल वगैरह में कोई रगड़ के निशान नहीं पाए जाने से मौके पर ही मर्ग कायम कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और जाँच प्रारंभ की। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसमें एक हथियार का जो उपयोग किया था उस हथियार की बरामदगी हो गई है, जिस बोरे में उन्हें लपेटा था उसको भी बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आज उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
एक अपराध अपना थाना का गोपालपुर, असलम का जो डेड बॉडी मिली थी वो गोपालपुर का थाना क्षेत्र है उसका, जो वहाँ पंजीकृत हुआ है, और दिलीप का थाना खातेगांव में पंजीकृत हुआ है। इस तरह से एक बड़े घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। वो जब लौट के आए तो उसको कुएं में छोड़ दिया, वो तो अंदर लट था ही कुएं में, ये सीधे रोड के किनारे, और असलम को लेके उसने पूछा कि दिलीप कहाँ है, तो बोला वो उधर लेटिन गया है झाड़ियों की तरफ। ऐसे बातचीत करते करते उसको भी झाड़ी तरफ ले गए, और इनके पास क्योंकि खेत में तंगिया पहले से ही था, ये तंगिया लिए हुए राजेश चल रहा था। जैसे ही झाड़ी के नज़दीक पहुंचा तो राजेश ने उसको पीछे से एक जोर का तंगिया मारा, और तंगिया सिर में लगने के बाद में फिर इसने राजेश दिलीप ने दिलीप को उसने क्या नाम उसका चैन सिंह, वो तंगिया लेके दो बार